हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने में, पॉडकास्ट में स्वर विज्ञान का जो मैंने शेयर किया। तो मैं आज लेकर आई हूँ स्वर विज्ञान के छोटे छोटे टिप्स जो मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, और मैं आपको भी चाहती हूँ कि आप भी करें और अपनी लाइफ में मैजिक देखें। जैसे कि 8 8 8 है, तो कैसे उसको भी हम स्वर विज्ञान में लेके यूटिलाइज कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी डेली लाइफ में स्वर विज्ञान को ऑल लें। जैसे कि मुझे विश्वास है, या आप नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कीजिए, बहुत ज़्यादा मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप सुबह उठ रहे हो और आप चेक करो कि कौन सी आपकी चल रही है, कौन सा आपका स्वर चल रहा है, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है कि राइट नॉस्ट्रल एक्टिव है, ठीक है? अगर लेफ्ट है तो आपको लेफ्ट पैर नीचे रख के और एक गहरी सांस लें, ठीक है? और उसके बाद जो अफर्मेशन है, जो गोल है, वो बोलें। और मैं तो हमेशा 5 बार बोलती हूँ, 5 बार सांस भरती हूँ और बोलती हूँ, ताकि हमारे जो गोल हैं, हम इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्शियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड करें। अगर आपका उस टाइम में आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, तो ग्रैटिट्यूड करें पहले, थोड़ा सरेंडर भाव में आ जाएं कि हाँ भाई, इतना सारा है। अभी कुछ दिन पहले ना मैंने अपना पैटर्न देखा कि मुझे ना हर बार में बड़ा वो है, मुझे हमेशा मेरा एक पैटर्न है, एक हैबिट है कि कुछ भी मैं अचीव करूँगी ना, तो उसमें फिर मैं खुश नहीं रहूँगी, मेरे को लगेगा आई नीड टू हैव मोर 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 मोर। तो वो क्या जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, खुशी, वो बहुत कम देर तक रह पाती है। तो अभी मैंने 7 दिन से ये कोशिश पूरा, मतलब दिन में यही कोशिश की, रोबोटिक अफर्मेशन स्व विज्ञान को लेके, कि आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड राइट नाउ राइट नाउ। तो मैं चेक किया कि जब मैं अनसेटिस्फाइड होती थी या मेरे को लगता था क्या है, तब मैं तुरंत बोलती थी, क्या हम अभी इस मोमेंट में, मैं क्या खुश हूँ और सेटिस्फाइड किस मोमेंट में हूँ। तो इस स्व विज्ञान ने मेरी कैसे हेल्प की ना, कि जैसे मेरी जो नाड़ी, जैसे मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो मैं लेफ्ट को वो नीचे रखे और फिर गहरी सांस रोक के, ठीक है, रोकेंगे हम 9 सेकेंड्स, 18 सेकेंड्स, जितना आप रोक पाएँ। उसके बाद आप बोलो आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो हमारे हर पार्ट्स में वो जा रहा है, आपकी गूंज जा रही है, आपका अफर्मेशन, आपका गोल जा रहा है। जब आप घर से निकलते हो तो एकदम अवेयर हो कि निकलो कि कौन सा हमारा एक्टिव है स्वर। अगर आप अपोजिट में निकल रहे हो तो मतलब डेड बॉडी, डेड जो है पार्ट, उसको आगे ले जा रहे हो। तो आप जब भी घर से बाहर निकलें तो देखोगे कौन सा मेरा नॉस्ट्रल एक्टिव है, उसमें जाएं। अच्छा, एक और बात, जब आप बिजनेस में जा रहे हो, जैसे मेरी क्लिनिक है या आपका बिजनेस है या आपकी जॉब है, तब हमेशा हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से हमें आगे बढ़ना है। अगर मान लीजिए उस टाइम हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल नहीं चल रही है, तो आप क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, जो राइट नॉस्ट्रल चल रही है उसको बंद कर देना है थोड़ी देर तक। बंद कर देंगे तो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू हो जाएगी। दूसरा आप क्या कर सकते हो, अगर आप घर पे हो, आप बाहर, मतलब अगर आप घर पे हो और आपको कोई नाड़ी एक्टिव करनी है जो आपकी नहीं है, मान लीजिए आप खाना खा रहे हो और आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है, तो लेफ्ट तो ठंडी है, चंद्र है ना, चंद्र नाड़ी। तो अभी हम खाना खाते समय हमें कैसी चाहिए? अग्नि, हमें सूर्य नाड़ी चाहिए, गर्म नाड़ी चाहिए, राइट? तो तब हम क्या करेंगे ना, कि जैसे मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है और मुझे राइट को एक्टिव करना है, तो मैं ये करूँगी, यहाँ पे मुट्ठी बांधूँगी अपनी और यहाँ अंडर आर्म्स में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और आप देखोगे कि आपकी जो राइट नाड़ी चाहिए ना, वो एक्टिव हो जाएगी। जैसे लेफ्ट नाड़ी थी ना, तो लेफ्ट नाड़ी के यहाँ रख दिया, राइट नाड़ी चलने लगेगी। या फिर जो एक्टिव नाड़ी है उसको थोड़ी देर बंद कर दो, तो वो जो इनएक्टिव है वो चलने लगेगी। अब क्या करना है ना, कि जब हम, जैसे हम बिजनेस में जाते हैं तो हमेशा हम लेफ्ट में करेंगे।
आप कुछ चीज़ें भी पकड़ोगे तो लेफ्ट से ही पहले पकड़ोगे और सबको पूरे लेफ्ट से ही टच करके ब्लेसिंग्स दोगे कि यस आज मेरा दिन बहुत अच्छा होने वाला है, आज बहुत सारे बिजनेस मिलने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा सर्व कर पा रहा हूँ। राइट नाड़ी हम जब खाना खाते समय या जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा ताकत, हमें कुछ उग्र बनना है ना, यहाँ तो आप देखेंगे जब आपको गुस्सा आता है ना तब आपकी राइट नाड़ी एक्टिव होती है क्योंकि हम गर्म हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम जब हम गर्म हो रहे हैं और मान लीजिए आप एक्टिव हो गए तो उसको राइट को बंद करके लेफ्ट चला देंगे तो आप ठंडे हो जाएंगे, मून की जैसे चंद्र नाड़ी आपकी चलने लगेगी। अच्छा, जैसे आप पानी पीते हो, पानी पीते समय आपको चंद्र नाड़ी से पीना है। अगर आपने गर्म से कर दिया तो फिर क्या होगा, वो फिर जो है ठंड काम नहीं करेगा, ठंडा काम नहीं करेगा, वो आपको फिर दिक्कत देगा गर्म पानी। तो वो हमेशा चंद्र नाड़ी में ही हम पानी पियेंगे। ये छोटे छोटे टिप्स हैं, जैसे आप अपनी तिजोरियाँ, जैसे पैसे ले रहे हो आप, ठीक है, और आपको जो है तिजोरी में रखना है या जहाँ सेव करते हो, तब भी हम नेफ नॉस्ट्रल एक्टिव हो, सांस भरेंगे और बोल दीजिए आई एम मनी मैग्नेट, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है, एफर्टलेसली बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है और सेव भी कर पाती हूँ, इन्वेस्ट भी कर पाती हूँ और बहुत ज़्यादा बढ़ बढ़ के आता है, गॉड की वेल्थ है जो मेरे पास बढ़ के आ रही है। तो मतलब ये थोड़ा एक्टिव होके कि लेफ्ट जो है लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव रहेगी तभी हम रखेंगे। तो आपकी जो सांसें हैं आपको सब बता रही है। तो 888 पे क्या करेंगे, ये आपके लिए स्पेशल बोनस टिप है जो आप मैं बता रही हूँ। तो 8 विश हमें करनी है, लिखनी है ना, आपको पूरा ब्रह्मांड यूनिवर्स बोल रही है चलो ठीक है आज लायंस गेट पोर्टल है, आप 888 इतना आप करो। तो आपको जब आप 888 8 विश लेंगे तो क्या कोशिश करोगे आप, जैसे सुबह उठोगे तो जो आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल एक्टिव है एक एक विश बोलो और 9 सेकेंड्स तक होल्ड करके उसको अंदर भर लो, ठीक है। 8 विश, जैसे मैं हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, हील्ड हूँ, एक हो गया, फिर भरो, फिर आपको करो 8, ऐसे आप करो, आपको 8 विशेस मैनिफेस्टेशन देने की छूट है। आप जितना भी करो, पहले मान लीजिए मन नहीं लगता तो ग्रैटिट्यूड सरेंडर भाव में आइए और वैसे फिर आप कोशिश करो कि आप वैसे जैसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लिखोगे, गोल राइटिंग करोगे कल, उसमें भी आप देखोगे कौन सी मेरी नाड़ी एक्टिव है। राइट है तो राइट को बंद, एक्टिव है तो बंद करके लेफ्ट को एक्टिव करो, भरो और एक एक के बाद लिखते जाओ, एक एक के बाद लिखो। आप देखेंगे कि जब आप सूर्य नाड़ी स्वर जो स्वर जो है विज्ञान और आपका मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ रहा है, हम ना कंबाइंड कर रहे हैं। अफर्मेशन बोल रहे हो तो कैसे करना है, एक भरना है सांस 9 सेकेंड्स तक होल्ड करना है और बोलते जाना है अपने अफर्मेशंस मन ही मन में, ठीक है। तो आपका जो है पूरा चक्रास तक आपकी जाएगी, राइट, हमारी रूट चक्रा तक जाएगी जब हमारी सांस, तो हमारा मैनिफेस्टेशन होगा। कल आप जो है नहाएंगे भी तो आप देखोगे राइट मेरी नॉस्ट्रल एक्टिव है तो राइट से ही नहाओ, लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही नहाओ और उसमें सॉल्ट डाल दीजिए ताकि आपकी जो भी क्लेंजिंग एक्टिविटी हो जाए, सारा जो है आपका क्लेंजिंग एक्टिविटी हो जाए। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करोगे। एक दूसरा बहुत स्पेशल टिप है, कल 8, कल या 8 8 है तो 17 मिनट तक मेडिटेशन कीजिएगा, ठीक है। 17 मिनट तक मेडिटेशन करके, क्योंकि 8 है तो 17 मिनट, तो 17 मिनट मेडिटेशन करके सरेंडर भाव ग्रैटिट्यूड, अपने स्वरों को चेक करना कौन सा मेरा एक्टिव है। और मान लीजिए कभी आपका ना राइट और जो है लेफ्ट दोनों ही एक्टिव है, मतलब सुषुम्ना नाड़ी है, उस टाइम आपको कुछ भी डिसीजन नहीं लेना, कुछ भी अशुभ जो है काम नहीं करना है। उस टाइम आपको क्या करना है, बहुत अच्छी बात करनी है, आपको पूरे संसार को ब्लेस करना है कि सब खुश रहें, सभी आत्माओं में बहुत प्यार हो, वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ पीस, फुल ऑफ लव। आप ये जब करेंगे, जब आप यूनिवर्स से जुड़ेंगे उस समय, तो आपकी यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा
एनर्जी मिल जाएगी और वो एक्टिव हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड के लिए, वर्ल्ड पीस के लिए, वर्ल्ड लव के लिए हम दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, ठीक है। तो हम उस टाइम पूरे संसार को ब्लेसिंग्स देंगे, उस टाइम आप शुक्राना करके और विशेष ही जैसे आपको कुछ भी चीज़ें दिख रही हैं उसको ब्लेस कर दो, ठीक है। तो ये हैं छोटे छोटे टिप्स, मैं और भी टिप्स लेकर आऊँगी। मैं अब आपको अगले वीडियो में एलिमेंट्स का समझाऊंगी, मैं भी और समझ रही हूँ तो मैं भी आपको एलिमेंट्स का समझाऊंगी कि हम कैसे चेक करें कि मेरा वाटर एलिमेंट चल रहा है, मेरा फायर एलिमेंट चल रहा है, मेरा एयर एलिमेंट चल रहा है, मेरा स्पेस एलिमेंट चल रहा है, कैसे कैसे चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्वविज्ञान में वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए अभी बहुत सारी हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी मैनिफेस्ट करो। एक और टिप मैं बता रही हूँ, जैसे आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना है ना, आपके जॉब, आपके बॉस को, या आपके आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपके मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, जिनसे आप थोड़ा आपका रिलेशन ठीक नहीं है और आप चाहते हो कि वो इन्फ्लुएंस हो जाए, या मान लीजिए आपका क्लाइंट आपको लगता है कि मान जाए, तो आपको ना क्या करना है ना कि जैसे जो नाड़ी एक्टिव है ना उसी पे ही, उस एक्टिव पे ही आप चले जाओ, जैसे सामने वाले के उसी साइड चले जाओ। सामने वाले को जैसे मेरी लेफ्ट है तो मैं लेफ्ट में बिठा दूंगी सामने वाले को, या लेफ्ट में मैं चली जाऊंगी सामने वाले के, और उस टाइम बात करूंगी तो सामने वाला मेरी बात से 100% इन्फ्लुएंस हो जाएगा और मेरी बात सुनेगा, मानेगा भी ये बात। जैसे बॉस हमारा, हमारे बॉस से नहीं बढ़ रही है, मदर इन लॉ से नहीं बढ़ रही है, तो ये छोटे छोटे टिप्स हैं कि जब राइट जो एक्टिव नाड़ी है उस नाड़ी पे आप सामने वाले के उस समय आप चले जाओ, या सामने वाला आपके उस पे हो एक्टिव नाड़ी पे, तब आप अपनी बात ऐसे करके रोक के बोलो तो आपका 100% सुनेंगे। यहाँ आप बोलोगे कि आजकल तो मोबाइल पे बातें होती हैं, तो मोबाइल पे भी आपको क्या करना है, जो आपकी एक्टिव है नाड़ी, मोस्टली अगर लेफ्ट हो तो बहुत अच्छा रहता है क्योंकि हम कूल माइंड से रहते हैं ना, तो राइट से गर्म जोशीले बात हो जाती है हमारी अगर उन्होंने भी कुछ बोल दिया तो। लेफ्ट में ही करेंगे हम, लेफ्ट में अपना मोबाइल रखेंगे और सांस रोक के फिर अपनी बात रखेंगे, तो क्लाइंट भी आपका बन जाएगा, क्लाइंट भी आपको पैसे दे देगा और आपके क्लाइंट आपके बिजनेस में भी ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी जो मैं फॉलो कर रही हूँ, आप भी फॉलो कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस। तो बहुत ध्यान रखिए स्वविज्ञान का, स्वरों से जो काम लोगे तो अच्छा है, हमारा काम तो वैसे ही बन रहा है पर हम स्वरों के अनुसार काम करें, उसी टाइम मेडिटेशन करें। मेडिटेशन भी हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को एक्टिव करके ही करेंगे क्योंकि वो ठंडा है, हमें कामनेस, कूलनेस, पीस देगा, राइट। तो ये सारे काम जो मोस्टली ठंडे दिमाग के हैं डिसीजन लेने के, हम लेफ्ट से ही करेंगे। राइट से कभी हमें कोई बात नहीं मान रहा है तो हम राइट को एक्टिव करके उग्र हो जाएंगे, थोड़ा बात को गर्म करना है तो हम राइट में बात करेंगे, ठीक है। वैसे हमेशा सारे काम हम लेफ्ट से ही, लेफ्ट नॉस्ट्रल जब एक्टिव हो, गहरी सांस लेके फिर हम आगे के अपने काम करें। तो ये छोटी छोटी टिप्स पर बहुत फायदे, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है प्लीज़ डू इट। मैंने देखा है कि आप लोग सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हो, पूरा देख लेते हो, खो जाते हो, अच्छी बात है, देखो भी लेकिन सब्सक्राइब तो करो, बेल आइकन तो प्रेस करो, क्योंकि इतना नोटिफिकेशन दिखता है कि 80% लोगों ने अनसब्सक्राइब, मतलब सब्सक्राइब ही नहीं किया है और वीडियोस देख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, कीजिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, हम दोनों आगे बढ़ेंगे। सो टेक केयर, ब्लेस्ड लाइफ अहेड, थैंक यू।